अपनी शक्तियों का पूरा प्रदर्शन कर रही है। के याद रखे बता, मेरी आग चिपकाओगे। किस किस ने मेरे कहे की मानी है। पिंक लाइनर पे तो बोलो कुछ। ओ तेरी बना दी चमक चांदनी। लो भाई असली लिपा पोती शुरू होगी। कैसी लगी मम्मी? पर आज इसने चाड़ा पार दिया। किसे की ना मान रहे वो जाट हो है सहर, जो जाट की ना मान रहे वा हो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। तो कल थी सगाई और आज है शादी, और शादी के लिए मेरा आउटफिट है ये, दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पहले भी डाल रखी है, तो मन किया आज फिर डाल लूँ। रोहित भी आ गया था और अनुराग का फ़ोन भी आ गया है कि बारात वहाँ से निकलने के लिए रेडी है, तो हम सीधा वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँच रहे हैं सब। तो आज फिर मेकअप आर्टिस्ट लेट है। रोहित आज तक खुद लाइव देखा है कि 5 बजे का टाइम था और 7 बजने वाले हैं, 2 घंटे लेट है ना। वही आ रही है क्या? नहीं, और दूसरी मुस्कान, तो वो भी लेट है भाई। आज का असल में साया बहुत तगड़ा था, तो बहुत सारे मेकअप थे आज, इसलिए अंजना भी नहीं आई और मुस्कान भी इसीलिए लेट है। कोई नहीं भाई, और खुद में ये होता है कि कर तो लूँ मैं, पर वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। और जो फोटोज़ वीडियोज़ आती हैं वो बाहर के मेकअप में ही ज़्यादा अच्छी आती हैं, तो जब तक वो नहीं आ रही तो मैंने अपनी ये चूड़ियों का सेट बना लिया है, सेट निकाल लिया, सब कुछ मतलब पूरा रेडी कर लिया है। तो अभी प्रेस कर लूँ साड़ी पे। हेलो, लेट क्यों हो भाई? आ जाओ, कोई नहीं, मैंने वैसे गाइस को बता दिया था मकाज तगड़ा सा आया है। अरे कुछ नहीं कहेगी, ये छोटी सी है, आ जाओ थोड़ी देर में आप ही खेलते मिलोगे इसके साथ। कुकू, पहली बार देर तो कोई डर है, ये छोटी सी क्या कहेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक तू भी आज, आ हाँ, अपनी अपनी शक्तियों का पूरा प्रदर्शन कर रही है। आ जाओ बैठो, कल वाली स्टोरी रिपीट होने लग रही है भाई मेरी। आज बाड़ा की बारी पहला आ गई, क्योंकि बहुत टाइम लग जाए फिर बाड़ा में। और देखो किसी लागू डायन बच्चे जितने भी हैं अपनी आगे छुपा लो, मेरे को मत देखो इस हालत में। ये देखो अभी ये क्रीम किए हैं, इससे बालों में वॉल्यूम ऐड होती है और जिससे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। बस इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है मैंने बाड़ा का। अब मेकअप शुरू करते हैं, चले चलो भाई। आँख आँखा करना है सबसे पहले, तो मेरी आँख बंद हो जाएगी तो व्लॉग भी ना बने, बाकी दिखाती हूँ। मैंने सोचो आज हम मुस्कान की पोल खोल दें, क्या मेकअप क्यों कर है, एक एक स्टेप दिखा दें। है मुस्कान, एक तरीके तक मेकअप ट्यूटोरियल हो जाएगा ये तो लड़कियाँ ताई। पर हल्की हल्की चीज़ें मैं सोच रही हूँ शेयर कर ही दूँ, जिनने भाई खुद करना है घर पे मेकअप तो वो मेरी या वीडियो देख लो, उन आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश करा है, उसके बाद ये क्लिनजिंग करते ही करते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइजर था, वो था सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे जिस जो भाई उस तक हो है, जो भी मेकअप लग गया है वो यूं ही का यूं रह जाए। अच्छा मॉइस्चराइजिंग वो प्रेप प्लस प्राइम है ना। अच्छा भाई मन्ने ना मेरा इतने सोची जाए, सो प्रोडक्ट है के बताऊं। चलो कोई नहीं, मेन यो ये है अपना, घर आ रहो तो मुंह धो के मॉइस्चराइजर लगा लियो बस। तो भाई यो के लगा है मुस्कान, बता देगा इसे कंसीलर, इसको क्यों लगाते हैं? आई का बेस बनाने के लिए, जिससे कि हम जो भी आई शेडो डाले वो पॉप अप होके दिखे। अच्छा ठीक है, तुमने पता लग गया, इव इसके बाद बताऊंगी क्या लगाना है। अब ये क्या है? आई शेडो। बता पहला हमारे टाइम पे, मारा टाइम के कहूँ मैं तो, जो कर बुढ़ी हो रही हूँ, मतलब पहला यूं था सीधा ली वो पैलेट, और कोई हो एक निकाल लिया करते कि वो कलर है, उससे नहीं रगड़े जाए करते। अब तो 4 तरीके की चीज तो लगा आँखा पे, के याद रखे बता कौन सा कलर है ये। यो के लगाओगी, लगिला ग्लिटर ग्लू
ग्लू मेरी आंख चिपकाओगे के फेविको लगा दिया कदी आंख खुल जा फिर बंदे ना है ग्लू लगाने के लिए ग्लिटर लगाने के लिए ग्लू लगा हाँ ग्लिटर ग्लू मैं भी कंफ्यूज भाई ये पैर चाट रहे हैं मेरी साड़ी में सिल्वर वर्क है इसलिए मेरी आँखें ने चमकनी करने लग रहे हैं है ना खोल लो आँख खोल लो आँख किसी लगू मैं भाई जितने भी मेल हैं देखने लग रहे हैं वो अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड पे मेकअप जरूर करी हो या वीडियो देखने के बाद है ना और फिर मेरे दोनों फोटो भेजियो अगर हमारा मेकअप करा हो रहा है तो मैं देखूंगी किस किस ने मेरे कई की मानी है और मेकअप करा है भाई भी कर सकते हैं बहन को है ना वही गर्लफ्रेंड और वाइफ नहीं है तो वो बहनों को कर सकते हैं मेकअप देखूंगी कितने मानेंगे मेरी बात पिंक लाइनर पे तो बोलो कुछ ओ तेरी बना दी चमक चांदनी इससे हमारी तो सारे मेकअप आर्टिस्ट बुंडी सुना कर ये नू कर दे गाइस देखो मेरी आंखा के लाइन ने के कर दिया ये ब्लॉग नू कहूंगे ओवर हो रही है कनिका का मेकअप ओवर हो रहा है मेरे तो टेंशन होगी कुछ नहीं कहने इन पे ना ठाक पलक लगा दियो ताकि वो पिंक ना दिखे ठीक है अपने भी मेल है मत करियो पुण्य पक्के ही तारी गर्लफ्रेंड या वाइफ या बहने पर फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई लाइनर लगाया पिंक कलर का क्या करो बेटा अब लगाया मेरे को मॉइस्चराइजर है ना हाँ जी इतना सारा मारे जी से तो 10 बार यूज करें इतना मॉइस्चराइजर उसका नेक के बारे में इतना थोक दिया गाइस रोहित गुस्सा हो रहा है मेरा मेकअप देख के सही को हम लोग नो क्या अब खुद देख कर लेती हैं अरे प्रोग्राम में अटेंड करना हमने 2-2.5 घंटे का मुश्किल से ये तो फटाफट हो जाएगा आँखों में टाइम लग गया वो लिया फटाफट तरह हर चीज तो परेशान है यो प्राणी जो मेरे पीछे खड़ा है काले कपड़ा में भाई मुस्कान ने सबसे पहले लगाई सेटिंग स्प्रे फिर लगाया मॉइस्चराइजर फिर प्रो स्ट्रॉब क्रीम उसके बाद सीरम मतलब सारा मेक आधी चीज जगह तो पता है ना होता आधी दुनिया नहीं इतनी चीज तो मेरे मुंह पर लग चुकी है अरे पे तो मेकअप शुरू भी ना होया है वाओ ये कंसीलर ऑरेंज कलर का करेक्टर है ये कंसीलर नहीं है ये अलग अलग चीज हो है आज पता चली अब इसमें और कंसीलर में क्या फर्क है ये हमारे जो पिगमेंटेशन एरिया होता है ना वो कवर करता है कंसीलर उनको कवर करता है जिनके ना मतलब बहुत रेयर होता है जैसे ये ब्लैक होता है ना इसको ऑरेंज करेक्टर ही करता है अच्छा कंसीलर मतलब हल्के फुलके लिए हाँ जैसे थोड़ा बहुत अपने लगा लिया बाहर जाने के लिए तो फिर करेक्टर लगाना पड़ेगा ना पिगमेंट एरिया का लाइट भी गई ना बड़ा ठंड लग रहा रोहित आज अब ये कंसीलर है करेक्टर के ऊपर लो भाई असली लिपा पोती शुरू होगी इससे तो लड़के टेंशन मान है भाई बहुत ज्यादा लगती है ये शुरू में पर धीरे धीरे सेट हो जाती है क्योंकि इस पे बहुत सारी लेयर्स आती हैं अब ये लगेगी फिर इसके ऊपर पाउडर लगेगा वो कॉन्टर गिराने की क्या नाम तो मैंने भी सुन रखी है कई गाइस ये लड़की है ना पिछले 4-5 घंटे से मैं डरता की बताऊं यार कोई नई बात है ना कोई नई बात नहीं है इसे छोड़ो
यहाँ पे देखो गाइस मैं तो हो गया हूँ फुल रेडी। आज मैंने पहना है ब्लैक और ऊपर से है वाइट ब्लेजर, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होगा। और आज है डे टू शादी का और बारात जा रही है भाई। किस जा बारात किमी? द्वारका? शाहबाद? द्वारका जा रही है शायद, द्वारका जा रही है भाई। मेरी बात हुई थी अच्छा अच्छा फिर कन्फ्यूज कर दिख रही है। बाल हो गए हैं बढ़िया वाले सेट और आपको दिखाता हूँ यहाँ से देखो आज नहीं करवाते कोई मेकअप, आज नहीं उतर लेंगे नहीं। फुल लुक ब्लैक हो रही है गाइस, फुल पैंट भी ब्लैक है, शूज़ भी ब्लैक है, शर्ट भी ब्लैक है। और किमी का लुक होने वाला है इस साड़ी का, इवन नहीं बह रहा है साड़ी कितने घंटे मन देगी, साढ़े सात दिखाओ ना आठ मान लो आधा घंटा पीछे है या कुकू। अरे तू तो आगे बैठी है, ओए शोंडे ओ कैसे बैठा है हैं? मम्मी को देखते हैं भाई क्या कर रही है। मम्मी आप भी चलो ना हैं, चलो और के जानने पहचान सब जाना है आपने, आप बिलना जानते हो हैं। मम्मी ने भाई कोल्ड कॉफी रच दी है, कोल्ड कॉफी एक शेक है, कोल्ड कॉफी बना दी देख लो भाई इन ग्लासों में देख लो, चलते हो बताओ हैं पक्का? अभी तो टाइम है 15 मिनट रेडी हो लोगे, कोई ना भाई ना मानती तुमने कोई ना, अपना धो लिया भाई मस्त, पेट कभी खाली है भाई क्योंकि दिन में कुछ नहीं खाया ना टाइम मिल गया। करिए मम्मी इतना अटकी जानने वरना तू तो हो रेडी ओ तेरी को इतने आइटम खोल रखे हैं। ये देख ले भाई ये बक्सा तो बाकी देखा भी होगा पहले व्लॉग में, बहुत अच्छी चीज दिखा रही है ना यहाँ की हो रही तेरी ओ तेरी का किसी हो रही है, अच्छी लग रही है ना कुछ अलग है गाइस। रोहित को नहीं पता ये तब से ऐसे ही बके जा रहा है कि दिन 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 लग रही है। चलो थोड़ा ही आज तो गाइस थोड़ा ही धोखा है ज्यादा नहीं है, चल ठीक है जल्दी रेडी हो जा फिर मिलते हैं ओके। तो मेरा हमेशा ही पसंद आता है ये देखो गाइस मेरा फेस रेडी हो गया, मेरी आंखें, मेरी लिपस्टिक सब हो गया। मम्मी कैसा लग गया मेकअप? मेकअप अच्छा है लेकिन आंखें छोटी लग रही है। मेकअप तो बढ़िया है, ये चाइनीज याद कर दे मम्मी ने, मैंने सही पकड़ ली मम्मी की भावनाएं, अब चाइनीज आंख लग गया ना ठीक है कुछ ना छेड़ते बहुत टाइम हो गया। देख रोहित फिर गुस्से में हाइलाइटर मेकअप बस अच्छा करते तू सबसे बेस्ट है तेरा मेकअप। आज तो मुस्कान राजी होगी ना, वैसे मैंने इसको अच्छा है जो मुझे दिन बाद मोटे हो गए मोटी ना होती बाल बाल मोटे हो जाए हैं। और गाइस काम यहाँ पे चल रहा है मस्त बढ़िया, हल्का हल्का मैं कभी करवा ला नहीं कुछ तो फायदा उठाऊंगा। कुकू देखे जाएगी यो क्यों करवा हुआ मेकअप, इसने क्या जरूरत है? मैं फीमेल रही मेरा कोई मेकअप ना करता। हाँ तो कैसी लगी मेरी लुक? जब लास्ट टाइम मैंने ये साड़ी पहनी थी तो अलग हेयर स्टाइल था, आपकी बार का हेयर स्टाइल देख लो आप, ये देखो पीछे से ये देखो आगे से। अब ये मत करना कनिका पतली होगी कनिका पतली होगी, कनिका ने भी दिखा है कनिका पतली होगी, आज जुलाइज हो रहा है लिटरली कि ज्यादा ही होगी। चलो अब रोहित के रिएक्शन देखते हैं आगे। यस अच्छी लग रही है मैं नजर लगाई गाइस फाइनली कनिका रेडी होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के लिए, एक घंटे उल्टा नहीं होता कोई ना। चलो कोई कैसी लगी मम्मी? मुस्कान नहीं ये खाना है, हमने तो लेट हो रहे हैं मम्मी के लागे भेजना, ऐसे मत भेजना। हाँ हम तो चलो लेट हो रहे थे इसलिए, और गाड़ी ला रहे हो तो फिर टेंशन भी ना है ना, हम साथ में छोड़ देते हैं। जल्दी तो गाइस मुस्कान को ड्रॉप कर दिया है, मुझे लगा कि वो गाड़ी में आई हुई है बट नहीं,
तो और मम्मी ने दे दिए हैं ये खाने के लिए कि रस्ते में खा लियो, कभी खाली पेट मत जाओ, क्योंकि खाली पेट जब मैं गाड़ी में बैठूँ तो मेरा सिर घूमने लग जाए, तो इसीलिए शादी से पहले ही फ्रूट्स खा लूँ, जाकर शादी में भी फ्रूट्स ही खाऊँ। और ज़रूर बताना कि मेकअप कैसा हुआ, अभी पास से देखो। ठीक है, मेरे को आदत नहीं है, मतलब आपको आदत नहीं है मुझे इतने मेकअप में देखने की आज तो, पर कोई नहीं, ये भी इतने दिन जब कित देखोगे मेकअप में, वो ये बुंडी सी शक्ल देखोगे रोज, इवे दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं है, यो है आज खत्म हो जाएगा। पहली बार ही सोया होगा, पहला मैंने भी तरबूज खाए, अरे रोहित मोमोज खाऊंगा, अब ब्याह में टाइम पर नहीं पहुंचे हैं और इसका कॉल जल्दी कर गया कति, क्योंकि 10 बज गए हमने और हमारे दोनों का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो थोड़े थोड़े मोमोज खा लेंगे हम, बहुत चिंता पहले खत्म हो रहे हैं, खत्म हो गएगा इसके तो, भूखे मर गया आज तो। और यहाँ से लोकेशन भी मतलब दूर ही है, ट्राई करिए, और अनुरा घर का वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि जब तक वे नहीं आ लेंगे इतना हम भी इतना जाऊ नहीं, उनमें और हम में 4 किलोमीटर का फर्क है, आज वे जाम में फंस गए, हम जाम तक बच गए, हम कुछ खा लिया होगा। हां देखिए मोमोज और भी, हां ये रे मोमोज मिल गए, देखो एक बार मिलेंगे या नहीं, ले आऊं मिला कुछ तो मिला, मस्त चटनी, अच्छा चटनी मस्त, लेकिन गिर्स गए, इमोटी को पार्टी टिश्यू तो निकाल लो भाई, मैक्सिमम टाइम है ना, रोहित ब्याह में जाए खाली पेट आ जाए, पर आज इसने चाड़ा पार दिया ब्याह में जाने का, पहले ही भरने लग रहा है पेट, उड़े जाके क्या खाऊंगे रोहित, वही देखेंगे पर वो खा ले। ठीक है पहले मोमोज पे फोकस करते हैं हम, तो गाइस स्टीम मोमोज खाने के बाद अब आए हैं फ्राइड मोमोज, जो कि मैं नहीं खाती, बहुत जबरदस्त लगे बनता ये, अच्छा खा पी लिया, ब्याह में जाने की क्या जरूरत है रोहित, मेन हम खान पीन था ही होते जाया करे, वो हमने काफी लिया, इव के नुए चलो, यो मेकअप यो साड़ी सब वेस्ट गया, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जाएगा वेस्ट, गाइस मजे आ गए, वैसे मजे आ गए बोल। तो और ज्यादा मजे देखने के लिए आप रोहित का व्लॉग देखना, अब इस व्लॉग को बस एंड करने का वक्त आ गया है, तो ठीक है गाइस टाटा।